हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग आईडी में। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको आप ऑनलाइन कैसे क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं ये सिखाने वाली हूँ। और इसमें आपका टाइमर भी लगा हुआ रहेगा ताकि स्टूडेंट जितना आप टाइम लिमिट देते हैं उससे ज्यादा एक्सीड ना कर सके एग्जाम को। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पेपर रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट को अपना ईमेल एड्रेस को फिल करना है, और ये जो डेटा है ये मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पर मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। देन आप नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है उसे देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसका कि आंसर टाइप क्या है, शॉर्ट है। तो आप इस तरह से चाहे तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या फिर ड्रॉप डाउन, या फिर पैराग्राफ, या फिर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं काफी इजीली। और यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन क्रिएट किया है। देन यहाँ पर नीचे मैंने एक सेकंड पेज को ऐड किया है। आप इस तरह से चाहे तो कितने भी पेजेस को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट में मैंने एक इमेज को भी ऐड किया है क्वेश्चन में। तो आप इमेज, वीडियोस, जो भी चाहे अपने क्वेश्चन पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इस टेस्ट को दूंगी तो यहाँ पर आपको रिजल्ट भी शो करेगा और उसमें आपने क्या मिस्टेक किया है वो भी शो करेगा। तो चलिए पहले मैं इस टेस्ट को दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है ये। तो इस तरह से मेरे पास इंटरफेस है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आप टाइम सेट करेंगे यहाँ पर शो करेगा आपको। तो मैंने 10 मिनट्स दिया था तो यहाँ पर 10 मिनट्स शो कर रहा है। तो मैं गेट स्टार्टेड में जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है और फिर मैं ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो देखिए ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ सारे क्वेश्चंस को। सेकेंड क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, थर्ड भी मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ, देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगी। तो मैं नेक्स्ट पेज में चली जाऊंगी। ऑनर ऑफ ट्विटर एलन मस्क, राइट द टेम्पल नेम, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर टाइमर जो है वो चल रहा है, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। और फिर देखिए यहाँ पर व्यू स्कोर का भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर अपना स्कोर देख सकती हूँ। तो मेरा 6 out of 10 आया है। तो देखिए यहाँ पर आंसर्स भी शो कर रहे हैं, मेरा सेकंड वाला आंसर रॉन्ग था। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर भी शो कर रहा है। तो चलिए अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि आप भी कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और उसमें अपने किसी भी मेल आईडी से लॉगिन करना है। तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप इसे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉर्म्स का भी ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर एक फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए ब्लैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें जो भी सेटिंग्स है मैं उसे कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मेक दिस अ क्विज, तो मैं इसे इनेबल कर लूंगी। देन आपको इंश्योर करना है कि ये तीनों ऑप्शंस इनेबल होने चाहिए। और फिर आपको रेस्पॉन्सेस में जाना है, देन आपको लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स इसे इनेबल करना है कि सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर सके स्टूडेंट क्वेश्चन को। देन आपको प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है और फिर व्यू रिजल्ट समरी को इनेबल कर देना है ताकि स्टूडेंट रिजल्ट भी अपना देख सके सबमिशन के बाद। अब आपको डिफॉल्ट्स में जाना है और फिर इस पे क्लिक करके कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस बाय डिफॉल्ट इसे
इनेबल कर देना है, और फिर क्वेश्चन डिफॉल्ट्स में आपको जाकर मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, आप सारे क्वेश्चंस को बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, या फिर आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं अगर आपको किसी किसी क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना है। अब मैं क्वेश्चंस पे जाती हूँ, और आपको सबसे पहले इस फॉर्म का नेम चेंज कर देना है, अनटाइटल्ड फॉर्म पे क्लिक करके आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिख देती हूँ, देन आप यहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं टाइप करना। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ लिख देती हूँ व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रीनेम, और मैं इसे चाहूं तो एमसीक्यू ड्रॉप डाउन या फिर शॉर्ट या लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सकती हूँ। तो मुझे इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं, तो मैं इसे मल्टीपल चॉइस ही रहने देती हूँ, और यहाँ पर मैं अपने ऑप्शंस को टाइप करती हूँ, F1, F2, F3 और फिर F4। अब आपको यहाँ पर आंसर की का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। तो मैं 2 पॉइंट्स देती हूँ, देन आपको जो करेक्ट आंसर है उस पे क्लिक करना है और फिर डन कर देना है। और आप चाहते हैं ये क्वेश्चन मैंडेटरी रहे तो आपको रिक्वायर्ड पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है, और अगर आप चाहते हैं ऐसा डुप्लीकेट क्वेश्चन एक और रेडी कर सके आप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करना है तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए आ गया है स्पेस, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग चेक, और मैं इसे शॉर्ट आंसर बना देती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, देन मैं यहाँ पर आंसर की पे क्लिक करूंगी और इसे पहले पॉइंट दे देती हूँ 2 पॉइंट्स, और देन मैं यहाँ पर अपना आंसर को टाइप कर देती हूँ, तो क्या है हमारा आंसर, F7, और फिर मुझे यहाँ पर डन पे क्लिक करना है और इसे मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ। अब अगर आप चाहते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहे वो नेक्स्ट पेज पे आए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड सेक्शन पे, तो देखिए यहाँ से सेकंड पेज पे क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, देन मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूंगी। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहे उसमें कुछ इमेज रहे, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर क्लिक करूंगी, और यहाँ से आप कोई भी फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं गूगल इमेज सर्च पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ इमेजेस ऑफ फ्लावर्स। अब मैं यहाँ पर इस वाले फ्लावर को क्लिक करके इसे इंसर्ट कर देती हूँ, तो देखिए इमेज आ चुका है यहाँ पर। आपको इसे अगर छोटा करना है तो आपको कॉर्नर से पकड़कर इसे अपसाइड ड्रैग करना है, और फिर आपको इसे बाहर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट विजिबल होंगे, इस पे आपको क्लिक करके आप यहाँ पर अलाइनमेंट दे सकते हैं, तो मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ इसे, तो ये सेंटर पे आ चुका है। अब मैं अपना क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर, ऑप्शन 1 रोज, ऑप्शन 2 सनफ्लावर, ऑप्शन 3 लोटस, और नेक्स्ट ऑप्शन है नन। फिर मैं आंसर की पे क्लिक करूंगी और वो सेम चीज करूंगी, यानी कि मुझे यहाँ पर पॉइंट्स देने हैं, तो मैं 2 पॉइंट्स दे देती हूँ।
और फिर मैं रोज पे क्लिक करके इसे डन कर देती हूँ, और मैं इस वाले क्वेश्चन को रिक्वायर्ड नहीं करती हूँ। अब अगर मुझे टाइमर सेट करना है तो मैं क्या करूंगी, ये थ्री डॉट वाले सिंबल पे क्लिक करूंगी, देन मुझे एडऑन्स पे जाना है और मुझे यहाँ पर सर्च बार पे टाइप करना है टाइमर फॉर गूगल फॉर्म्स। देन मैं इस वाले को इंस्टॉल कर लूंगी इंस्टॉल पे क्लिक करके। इसे यहाँ पर आपको मेल आईडी पे अलाउ कर देना है और इसे नेक्स्ट करके मैं डन कर लेती हूँ। और अब मैं इसे यहाँ पर कट कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पर एडऑन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है टाइमर का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगी। देन मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सारा टाइम लिमिट शो कर रहा है और फिर ऑटो सबमिट का भी ऑप्शन शो कर रहा है अगर टाइमर एंड हो जाता है तो। आप यहाँ से टाइम को दे सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे 1 मिनट दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ 5 मिनट्स रहे, मैं 5 लिख देती हूँ। देन आपको रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी कुछ भी आंसर अगर देते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करके, तो उनका यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा कि उन्होंने कितना मार्क्स लाया है। मैं इसे सेव भी कर लेती हूँ और फिर मैं यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक करूंगी। और यहाँ पर आप मेल आईडीज को टाइप कर सकते हैं जिन्हें भी आप ये इनविटेशन टेस्ट के लिए सेंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ मेल आईडी और सेंड इनविटेशन पे क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेल आईडी में सेंड हो गया है। अब मैंने अपने दूसरे मेल आईडी को ओपन किया है जहां पर मैंने इनविटेशन सेंड किया था टेस्ट पेपर का। तो देखिए ये ऐसा कुछ शो कर रहा है, तो विजिट क्वेश्चन पेपर पे मुझे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर 5 मिनट्स वैसे ही शो कर रहा है जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आप यहाँ से अपना टेस्ट को दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।